दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है MX Player के सीक्रेट फीचर के बारे में। MX Player में ऐसे बहुत सारे पावरफुल फीचर हैं जिसकी मदद से ना अगर आपके फ़ोन में अगर सही से 4K नहीं चलता है 60 फ्रेम रेट वाला या फिर बड़े बड़े HD फाइल आपके फ़ोन में अगर नहीं चलता है तो मैंने इस वीडियो में बताया है ऐसे MX Player के 5 हिडन सीक्रेट फीचर के बारे में जिसे कि यूज़ करके ना आप अपने MX Player के फीचर को बढ़ा सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे एडवांस ट्रिक जिसमें कि आप अपने फ़ोन में 8K HD वीडियो भी आप चला सकते हैं, 4K अल्ट्रा HDR तो स्मूथली चलेगा। तो खैर ये सब कैसे कर पाएंगे और MX Player के सीक्रेट फीचर ना हर किसी को जानने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग MX Player चलाते हैं। पूरा इंडिया में तो आई थिंक 2-3 करोड़ से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं MX Player का, क्योंकि यार MX Player बहुत ही अच्छा प्लेयर है। चलिए यूज तो आप जरूर करते होंगे लेकिन इनके फीचर आपको बताते हैं। और चाहे आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, सभी यूज़र वालों के लिए है यह वीडियो। चलिए ट्रिक की ओर चलेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना अगर आपने इस वीडियो में लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट में आपको लिख देनी है न्यू MX Player सेटिंग, ठीक ना, MX Player न्यू सेटिंग। चलिए अब चलते हैं ट्रिक की ओर। ये मेरा जो फ़ोन है यार ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े HD फाइल ना नहीं चलते हैं, ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं तो उन सबको देखिए यूज़ करने के लिए ना आपको सबसे पहले तो MX Player को ओपन करना है। और MX Player में यहाँ पर देखेंगे मेरे फोल्डर ना काफ़ी सेपरेट हैं, तो खैर यहाँ पर आपको सेपरेट वाली फीचर को मैं बता दूँ। इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर अगर ऑल फोल्डर पर क्लिक किया हुआ है तो आपके मोबाइल में जितने फोल्डर है वो सभी दिखने लगते हैं, और वहीं आप फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये सेपरेट हो जाता है। अगर इस फोल्डर के अंदर कोई वीडियो है तो इसके अंदर एक और फोल्डर है, ऐसे ऐसे आपको सेपरेट दिखता है। तो ये तो हो गई बाहर वाली बात। अब वीडियो को यूज़ करने की बात करें तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये 4K वीडियो अगर है तो इसको आप देखिए मेरे फ़ोन में कितना स्मूथली चल रहा है। तो मतलब देखिए इसको यूज़ करने के लिए ना आपको मैं टेक्निक बता दूँ। नॉर्मली पहले तो बैक आ जाइए, बैक आने के बाद इधर आ जाइए बैक पूरा, और यहाँ पे स्लाइड करिए, सेटिंग आ गया, बहुत सारे सेटिंग है लेकिन आपको लोकल प्लेयर सेटिंग पे जाना है, ऐसा सेटिंग आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लेयर है, प्लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे फीचर मिल जाता है क्विक जूम, अगर आपके फ़ोन में चालू नहीं है तो ये चालू कर दीजिए। इसमें होगा क्या, किसी भी क्वालिटी का वीडियो हो ये आपके स्क्रीन में फिट कर देगा। तो स्क्रीन में फिट करने का मतलब अगर वो 4K है तो पूरा ज़्यादा जूम नहीं होगा, एकदम फिट होगा प्रॉपरली। चलिए ये सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ कंट्रोल वाले फीचर मिल जाते हैं, स्क्रीन वाले फीचर मिलते हैं, और यहीं पर सबसे ऊपर में देखेंगे थीम है, थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अल्टीमेट थीम मिलता है। यहाँ से बैक करिए लिस्ट मिलेगा, लिस्ट पे भी क्लिक करके थीम है, थीम पे क्लिक करके ये देखिए मैंने अब बैक करूंगा, अब देखो वाव ये पूरा ब्लैक हो चुका है बहुत ही अच्छे कलर के साथ, ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो फिर सेटिंग के अंदर चलिए, कुछ बदलना हो यही कलर स्टाइल इस पे जाओ यार, और यहाँ पे थीम में कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो तो मस्त है, सब कलर आपके पास अवेलेबल है। बैक आ जाते हैं, हाँ ये आपका नॉर्मल हो गया जैसा पहले था। तो फिर आपको सेटिंग के अंदर जाना है। अब यहाँ पे आ गई 4K प्लेयर, हम बात करेंगे जो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर पावर को एक्सेलरेट करके बड़े बड़े HD फाइल को भी आसानी से चला देगा। डिकोडर के अंदर जाना है, डिकोडर में यहाँ पे देखेंगे हार्डवेयर लोकल डिकोडर जूम, आपके फ़ोन में ये चार चीज़ें टिक रहेगी ठीक ना, तो इसे आपको बंद कर देनी है ठीक ना। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए और नीचे देखेंगे थोड़ा जो है सॉफ्टवेयर डिकोडर आपको मिल जाता है, देखिए ये आपको चालू कर देना है, सॉफ्टवेयर डिकोडर लोकल, सॉफ्टवेयर डिकोडर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर ऑडियो, ये आपको चालू कर देना है। और जैसे ही आप ये चालू कर देंगे आपके फ़ोन में कोई भी वीडियो रहे, जी हाँ कोई भी वीडियो, वो मक्खन की तरह चलेगा। चलिए बैक आ जाते हैं और अब कोई वीडियो आपको चला करके दिखाते हैं, लैग की तो किसी में बात ही नहीं रहेगी, ये देख सकते हैं कैसे ये चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं
मैं क्लिक करता हूँ ना, कुछ लेट ही नहीं होता है, फटाक से ये चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे अगर मैं आगे भी बढ़ाता हूँ तो वीडियो बहुत ही स्मूथली चलता है। कहीं ना कहीं इसमें सॉफ्टवेयर पावर जो है एक्सेलरेट करके आपको देखता है, तो इसके फायदे आपके होते हैं, काफी सब कुछ HD में आपको देखता है क्लियर। और यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो को मैं रोकने के लिए मैं इस बटन का मैं नहीं यूज कर रहा हूं, मैं कहीं भी क्लिक करूंगा दो बार, रुक गया, चालू हो गया, रुक गया, चालू हो गया। तो मतलब आपने देखा क्या स्मूथ फीचर है ये, मतलब बहुत ज्यादा मजा आ जाता है यूज करने के बाद। तो खैर ये आप डबल टैप करके चालू बंद कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करिए, फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा कस्टम स्टाइल, और यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल, कंट्रोल पे क्लिक करिए, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेटिंग है, सबको छेड़िएगा ना तो आपका सेटिंग मिस्टेक हो जाएगा, सबको नहीं छेड़ना है आपको। ये डबल टेप पॉज इसको चालू कर देना है, ठीक ना, ये चालू कर देंगे ना डबल टेप प्ले पॉज, तो आपका फोन काफी स्मूथली तरीके से वीडियो को चलाएगा। साथ ही साथ ये डबल टेप करने के बाद ये दिख रहे हैं ना सेटिंग, ठीक से देख लीजिए। अब देखिए वाओ, वीडियो रुक गया, वीडियो चलने लगा, तो मतलब देख सकते हैं 4K काफी स्मूथली तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये थोड़ा एडवांस फीचर है, यूनिक फीचर है। तो अब यहाँ पे चलते हैं अगले सेटिंग की ओर। मेरा आप जो भी वीडियो देखेंगे ना, यहाँ पर सबका MB बता रहा है, कितना MB का है, ये देखिए ना, जितना MB का जो वीडियो है सब दिखाता है। ये टाइटल के नीचे दिख रहा है ना छोटा छोटा आपको, तो इसको आप भी चालू कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेजोल्यूशन है वीडियो का वह भी दिख जाता है। इस पे क्लिक करिए, फिर फील्ड पे क्लिक करिए, और यहाँ पर देखिए आपका ये सब बंद रहेगा, ठीक ना। आपको साइज, रेजोल्यूशन, थंबनेल ये चालू कर देना है, ठीक, ये आप चालू कर देंगे फिर बैक आ जाइए। अब देखिए वीडियो का साइज वगैरह दिखने लगा, सब वगैरह दिखने लगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये यूनिक लगता है देखने में, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का फीचर है, और मैंने इसको बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा आप सबके साथ भी ये MX Blade के 5 अमेजिंग फीचर, सॉफ्टवेयर पावर, कुछ टिप्स रुड़े की चीज़ें हमको आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देनी है, सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिख देना है MX Player New Today, ठीक, ये आपको कमेंट में लिख देनी है। चलिए अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, साथ ही साथ ही आप कोई भी मोबाइल चलाते हैं तो उस फोन के बारे में हमें कमेंट में बता दें आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे आप हमें कमेंट में बता दें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका फायदा सब आपको दिख जाएगा ज्वाइन करने के बाद। थैंक यू, बाय।